सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और भाई आप सभी का रैंक पुशिंग भी एकदम से चकाचक चल रहा होगा। ठीक है यार, जिसका चकाचक नहीं चल रहा है उसके लिए कोई बात नहीं, आप यार डिमोटिवेट वगैरह मत हो, ट्राई करते रहो, हो ही जाएगा। अभी 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 भी हमारे पास 17 से 18 दिन का टाइम है। ठीक है, बाकी भाई बात करें हमारे आज की वीडियो के बारे में, इतना जानदार है, इतना खतरनाक है, गेम में रहता है एक चीटर, ठीक है, एक हकुर रहता है जिससे मेरी 2 बार फाइट होती है। ठीक है, और जिसका एम बोट इतना तगड़ा रहता है कि भाई उसके एम बोट से ना आपका रूह कांप जाएगा। अभी देखना मैच में जो होगा सीन, कसम से बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज यार वीडियो पूरा देखेगा, और हाँ वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड करना कि यार मेरे को लाइक करना है या नहीं लाइक करना है। ठीक है, बाकी अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यार आप लाइक करने में मजबूर हो जाओगे। और हाँ, इतने खतरनाक चीटर से मेरी जो ही फाइट होती है भाई, जितना तारीफ करूं उतना है। आप प्लीज वीडियो पूरा देखना। ठीक है, मैं यार कितनी बार बोलूं कि वीडियो पूरा देखो, खैर देख ही लेना यार, वैसे भी देखते हो वो अलग बात है, बट ये वाली जरूर देखना। ठीक है, और बाकी इस वीडियो से आपको ये भी सीखने को मिलेगा यार, सामने कितना भी बड़ा प्रो प्लेयर हो या कोई चीटर हो, बट आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। ठीक है, चलो यहां पे इन भैया जी को मार के हमारा खाता खुल चुका था। अब देखो सामने से एक बंदा का पुश्ट आता है, मुझे लगा ये बोट है, बट ये भैया जी यहाँ पे बंदे रहते हैं, इनका आप यहाँ पे नाम चेक कर लो। ठीक है, तभी सामने एक और यहाँ पे बोट स्पॉट हो जाता है, और हाँ ये सच में बोट ही था, और यहाँ पे हो जाते हैं हमारे अच्छे खासे 3 किल। ठीक है, तो यहाँ पे यार जितना किल मेरे को चाहिए होता है उतना निकल गया। अब यहाँ पे मैं सोचा सामने एक बंदा है, नेट आउट किया जाए। भाई नेट से तो बंदा फट गया, बाकी ये तो बताओ ये नेट कैसा था, थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो यार। ठीक है, कोई भी मोमेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे सामने एक और बंदा रहता है जिससे हमारी थोड़ा सा मुठभेड़ हो ही रहा था, फाइट हो ही रहा था, और मैं भी यहाँ सोचा यार दवाई वाई खा के थोड़ा सा तैयार हो जाया जाए, बूस्ट वगैरह लगा लिया जाए, तभी ये भैया शूशा का यूज करके इधर से आगे चले जाते हैं, और आगे जाके ना ये छत पे चढ़ जाते हैं, और ये छत पे चढ़े ही थे पीछे से वो बंदा इनको इधर पे डैमेज देता है, और इधर पे ये जंप करते हैं, और जंप करते हैं तो मेरे हत्थे लग जाते हैं। ठीक है, तो यही बात है यार, अगर आपको किल मिलना है ना तो बंदे आपके पास ऐसे फ्री में चल के आएंगे। बाकी ये दूर का बंदा ना मेरे को एक बार डैमेज दिया था, इसीलिए मैं सोचा चल के इसको मारेंगे ही मारेंगे, यहाँ पे बैठा ही रहता हूँ। तभी ये भैया जी बाहर निकलते हैं, तो इनको इधर पे टंटना के स्वाहा कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई इवेंट पे केवल एक बंदा है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, शॉप करता हूँ, और शॉप करके इधर से निकल ही रहा होता हूँ तभी यहाँ पे डीपी का कुछ फायर आता है, मैं सोचा चल के देखा जाए। अब ये भैया जी इधर ही पे रहते हैं, अब इनसे यहाँ पे मेरी यार थोड़ी फाइट होती है, नेटवर्क करता हूँ, और भाई बंदा यहाँ पे काफी चालाक था। यहाँ पे यार मेरे पास जितने भी नेड थे, मोली थे, सब ट्राई करता हूँ, बट भाई उनसे बंदे का कुछ हो ही नहीं रहा था। अब लास्ट में एक मोली बची थी, मैं सोचा यार वो भी इधर पे फेंक दिया जाए। अब भैया इन बंदे की देखो चालाकी, इनके पास डीपी रहती है तो ये सोचते हैं कि बस्ट मार के फिनिश कर दूंगा, बट भाई यहाँ पे यार मैं भी यार थोड़ा सा चलाक ही था, खैर एम अच्छा था जिससे इनको इधर पे फिनिश कर लिया। और फाइनली हम हक से बोलेंगे कि यहाँ पे इवेंट के ऊपर हमने झंडा गाड़ दिया है। ठीक है, अब मेरे पास रिकॉल था, अच्छा खासा टाइम भी था, इसलिए मैं इधर पे एंगल में बस घूम ही रहा होता हूँ कि कोई बंदा मिल जाए और उसको भर दिया जाए। अब भाई यहाँ पे फार्म पे आता हूँ, फिर देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ। भाई ये क्या था यार, कसम से इतना ब्रूटल हैकर, इतना खतरनाक लेवल का हैकर आज तक मैंने नहीं देखा यार, इतना खतरनाक तरीके से मेरे को मारा, मुझे भाई कसम से पता भी नहीं चला कि मेरे साथ इधर पे हुआ क्या। मैं भाई कसम से 3 से 4 मिनट तो भाई बस यही सोचता रहा। अब भाई क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इस गेम में बहुत ही खतरनाक लेवल का एक हैकर है, तो फटाफट भाई जोन के बाहर जाएंगे, वहीं सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे मेरे को गाड़ी मिल गई, तो आराम से गाड़ी उठाते हैं, आता हूँ इस वाले कंपाउंड को लूटने। अब भाई उसको लूट लाट के मेरा अच्छा खासा लूट हो गया था, तो आ जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे मिल्टा के पास वाले इस कंपाउंड में। भाई बीच में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था क्योंकि भाई स्टोरेज का झोल है, तो मैं सोचा लास्ट में रिकॉर्ड करना है ताकि यार स्टोरेज बचा रहे हो, रिकॉर्ड हो भी जाए। अब यहाँ पे होल्डिंग कर रहा होता हूँ तभी सामने से गाड़ी आती है,
चलो भैया इसको इधर से नेट से भर देते हैं। अब इसको जैसे ही मारता हूँ ना, यहाँ पे देखो एक बग्गी आती है और इस वाले स्प्रे को यार कसम से आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। बताओ कैसा लगा, कमेंट तो जरूर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है? प्लीज यार कमेंट कर देना इसके बारे में, थोड़ा सा तारीफ कर देना, नूब वगैरह मत लिख देना, ठीक है? वैसे वो भी लिख दोगे तो अपने लिए फायदा ही होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, कुछ भी लिख दो यार। अब यहाँ पे देख लो, सामने बचा है हैकर और कुछ बंदे और एक मैं, ठीक है? तो अब देखो लास्ट में भाई इस चीटर से फाइट होगी। बट भाई इस बंदा का यार ये एम्बोट इतना खतरनाक, मतलब भाई इतना ज़्यादा चिपकू था, मैं क्या ही बताऊँ, आके बस चिपक ही जाता। तो यहाँ भाई थोड़ी सी हीलिंग वगैरह इकट्ठा कर रहा था ताकि हील बेटल का जरूरत पड़े वो भी मैं करूँगा, #2 तक लाने का मैच को सोचूंगा, ठीक है? बाकी यार गेम में लॉबी में जितने भी बंदे थे सबको यही बंदा फिनिश कर देता इधर पे, ये देखो। अब यहाँ पे रोटेशन लेने की बारी थी और यहाँ पे अपनी जिस लेवल की फट रही थी ना, हम क्या ही बताएं। भाई यहाँ पे बस राम राम किए जा रहा था और आता हूँ यहाँ पे और मुझे लग रहा था भाई कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा जोन होगा और यहीं पे होल्ड कर सकते हैं, बट भाई जोन यहाँ पे रहता नहीं। फटाफट आगे भागता हूँ। अब देखो सामने पत्थर पे सेक के बाहर एक बंदा आपको स्पॉट हो रहा होगा, ठीक है? अब उस पर मैं स्प्रे इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई वही चीटर है। अब भाई डर लग रहा था कोई बंदा राइट साइड में ना हो जो कि मेरे को इजी फिनिश कर सकता है। और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं ये चीटर नहीं था, जिसने इसको मारा वो चीटर था और यहाँ पे बचा है मेरे अलावा अब सामने केवल ये बंदा, ठीक है? अब देखना हमारी फाइट देखो बस यहाँ पे, ठीक है? बस फाइट देखो और देखो एंड क्या होगा। और यार लाइक और सब्सक्राइब तो हो जाना चाहिए भर भर के एकदम से, ठीक है? बाकी मैं इस पर एक शॉर्ट्स बनाऊंगा, शॉर्ट्स यार खैर छोड़ो। अब फाइट देखो यहाँ पे, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे जो ही गोली लगी है ना एकदम से कवर में, फिर भी यार फटाफट हील करते हैं, मैं सोचा हार नहीं मानने का कुछ भी हो जाए, ठीक है? और भाई यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बना रहा होता हूँ हैकर पे बिना मतलब का स्प्रे करके रिस्क लेके। अब यहाँ पे मेरे पास नेड मोली है, ठीक है? मैं सोचा भाई अब यहाँ पे यार नेड मोली से ही बात होगी क्योंकि भाई बंदे से ऐसे पिक करके भाई बार बार फायर तो ले नहीं सकते, है ना? अब नेड देखो मेरा, अब हो ना हो भाई इस नेड से बंदा डैमेज हुआ ही होगा। अब ये वाला नेट देखो और ये वाले नेट से तो भाई बंदा डेफिनेटली डैमेज हुआ होगा। अब ये वाला नेट देखो आप, चलो अब मैं बोलूंगा ही नहीं कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो, ठीक है? आपने खुद ही कर दिया होगा यार, क्या ही गंदा मारा है मैंने भाई, मेरा दिल खुश हो गया उस टाइम पे, मेरे अंदर जो फीलिंग थी ना कसम से मैं बता नहीं सकता था। नेट से भर दिया भाई, नेट से भर दिया ऐसे चूती हैकर को। अब प्लस देखो कितना हुआ भाई, नेट से भर दिया वो भी क्लोज रेंज में। अब मैं कितना तारीफ करूँ, आप ही कर दो। अब ये है हमारा सेकेंड गेम प्ले भाई, यहाँ पे लैंड करता हूँ अपना वही पुराना अड्डा पे, अपने फेवरेट प्लेस पे। और भाई ऊपर कोई और बंदा आ जाता है तो मैं सोचा इधर पे आ जाया जाए और यहाँ पे आके मेरे को गनवन भी मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे गनवन उठाता ही हूँ तभी ये बंदा मेरे पे कुछ भी कर देता है। फिर देखो तो भैया जी यहाँ पे इसको जैसे ही मारता हूँ यार पीछे से कोई फर्र फर्र मार रहा होता है और यहाँ पे आराम से बच ही गए। अब इसको आराम से लूट ही रहा होता हूँ तभी यहाँ पे एक और बंदा यहाँ पे पुश कर देता है। फिर देखो इसको क्या ही मारेंगे भाई, एचपी देखो मेरी कितनी है भाई, एचपी देख लो कितनी थी। और ऊपर से बंदे के पास में है शॉटगन। अब इसको जैसे ही मारता हूँ यहाँ पे एक और बंदा पुश कर देता है। भाई काफी डैमेज कर दिया और यार इसके पास भी रहता है यहाँ पे शॉटगन। अब बताओ मैं भी गाली दूँ क्या?
गाली दूं क्या, मर गए तो मर गए, है ना भाई। एक स्ट्रीमर है जिसका वीडियो कल आएगा, ठीक है, फुल वीडियो कल आएगा, खैर शॉर्ट्स मैंने अपलोड ही कर दिया। अब यहाँ पे लैंड करता हूँ और आराम से बग्गी उठाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको गाड़ी वाड़ी ही उठानी है और यहाँ पे आ जाता हूँ मेंशन के पास वाले इस कंपाउंड को लूटता हूँ। और देख लो भाई मेरे पास अच्छी खासी लूट हो गई यहीं पे, दो तीन घर लूट के। तो भाई आपको ज़्यादा लूट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है यार, क्योंकि आपको केवल सर्वाइव ही करना है ना। अब बग्गी उठाता हूँ, अब आप बस रोटेशन देखो, ठीक है। अब सर्कल देखो कहाँ पे बना है। अब मुझे थोड़ा सा डाउट था कि भाई ये जो नहर है बीच में, इसके इस साइड सर्कल बनेगा या उस साइड, इसी का मैं जुगाड़ लगा के यही बात मैं अपने दिमाग में रख के इधर से रोटेट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर सर्कल नहर के इस साइड बनता है, ठीक है, तो लेफ्ट में जाएंगे, अगर राइट साइड बनता है तो भाई राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। तभी देखता हूँ सर्कल लेफ्ट में बन गया था, तो आराम से यहाँ पे भाई लेफ्ट में चले जाते हैं। अब देखो भाई क्या ही बढ़िया पोजीशन निकालेंगे और आगे चल के भाई किल्स भी निकालेंगे। भाई ये छोटी मोटी बातें, ये रोटेशन वाली ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही आपको जोन में अच्छा खासा प्लेस दिलाएगा और भाई यही आपको ना मरवाएगा, ठीक है भाई। आप जैसा डिसीजन लोगे आपके साथ वैसा ही होगा। बाकी आप अगर मेरी वीडियो पूरा देखते हैं तो भाई आपको पता चल ही गया होगा कि आपको कैसा डिसीजन लेना है, ठीक है। बाकी मैं अटकता हूँ तो जिसके लिए आई एम दिल वेरी सॉरी। अब भाई यहाँ पे आता हूँ और भाई ये वाला वास्टावर खाली था, अब पीछे पेट्रोल पंप भी खाली था, सामने वाला शेक भी खाली था, बट मैं इस शेक में आता हूँ भाई। शेक में कुछ देर तक नीचे ही होल्ड करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे डाउट था कि ऊपर कोई ना कोई बंदा कैम करके बैठा होगा, ठीक है। बाकी जो भी बंदा आसपास से गुजरता है स्प्रे जरूर लिया करो, और भाई स्प्रे लेने का मतलब ये नहीं कि भाई उसको मारते ही रह जाओ, ठीक है। 10-12 बुलेट मार के बंद कर लिया करो, ठीक है। ट्राई करा करो कि 3-4 बुलेट मारा करो, बस हो गया, ठीक है। अब ऊपर आता हूँ, कोई बंदा रहता नहीं तो होल्ड कर लेता हूँ। भाई इसको मारने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता हूँ, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई पानी में दो बंदे रहते हैं। और फिर बताओ भैया ये वाला किल कैसा लगा यार, ये वाला किल कैसा लगा भाई यार, प्लीज कमेंट कर देना। अब यहाँ पे सामने बंदा रहता है, मैं सोचा नेट करूँ तभी बंदा बाहर आता है, और भाई यहाँ पे इसको किल करके हमारे अच्छे खासे यार 5 किल हो गए थे। बाकी यार ये पानी वाले बंदे गए कहाँ पे, अब यहाँ पे देखना बैक टू बैक कम से कम दो बंदे तो प्ले जोन से ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो सामने दो बंदे बचे हैं, मतलब 3 बंदे बचे हैं। काश मेरे पास M416 होता, काश। अब यहाँ पे सामने केवल एक ही बंदा बचा है, ठीक है। यहाँ पे यार मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि भाई राइट साइड वाला बंदा मरा है या फिर लेफ्ट साइड वाला बंदा मरा है, बट भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा यार ऐसे लग रहा था कि राइट साइड वाला जो बंदा है वो अभी सेफ है। और भाई यहाँ पे स्मोक लेफ्ट में भी हो रखा था, राइट में भी हो रखा था, तो जिससे थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था यार। और यहाँ पे यार मेरा फुल फोकस राइट साइड में ही था, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा था भाई राइट साइड में ज़्यादा अच्छा पोजीशन है, तो भाई बंदा राइट में ही होगा। बट यार बंदा लेफ्ट में रहता है, और यहाँ पे यार इसने मेरे को अच्छा खासा फिनिश कर दिया, और यहाँ पे यार मेरे को अच्छा खासा 18 का प्लस मिल गया। खैर चिकन तो अपना मिस हो ही गया। बाकी यार यहाँ पे इस बंदे का POV देख लो, यार अच्छा खासा डैमेज कर दिया था।
बस दो गोली शेष रह गई थी और बंदा फिनिश हो जाता क्योंकि अपना गन रिलोड पे आ गया था, नहीं तो मर ही जाता। बाकी बात करें हमारे रैंक और टायर की, तो अभी मैं जो दो आईडियो में रैंक पुश कर रहा था उन दोनों का कॉन्कर हो गया, ठीक है। एक का तो कल लगा दिया था और भाई दूसरे का भी कल ही हो जाता, ठीक है, जिसमें यार 8 पॉइंट मात्र से मेरा रह गया था। रात के 3:30 बजे के बाद भाई मैचिंग ही नहीं हुई, नहीं तो भाई मेरा कॉन्कर उसमें भी हो जाता। खैर आज उसको खेला और दो गेम में 23-24 का प्लस किया और भाई उसमें भी हमने आराम से कॉन्कर कर दिया, ठीक है। कर नहीं दिया मतलब भी मतलब कि भाई 430 रैंक करके छोड़ा हूँ, इसमें इजी कॉन्कर हो ही जाएगा। बाकी एक और आईडी में रैंक पुश कर रहा हूँ अभी, आज से कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें यार 1500 के आसपास रैंक है, उसमें ट्राई करूंगा कि भाई दो दिन में कॉन्कर कर दूं, ठीक है, क्योंकि भाई माइनस भी लग सकता है ना। बाकी यार परसों के मतलब कल के बाद से मैं खाली हूँ, ठीक है, जिसको रैंक पुश कराना है परसों मेरे को डीएम कर सकता है, ठीक है। बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।